गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। और आप सर? आज आप लोगों के बीच एक एक्टिविटी मालूम दिखलाएंगे कि पानी कैसे हम लोग उसको प्रदूषित करते हैं, पानी कैसे पोल्यूटेड होता है, समझे? तो पानी का महत्व आप लोग जानते हैं, कितना महत्व है पानी का हमारी लाइफ में। इसलिए पानी को हम लोग को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें कैसा पानी पीना चाहिए, स्वच्छ पानी या गंदा पानी? स्वच्छ पानी। तो क्या हम लोग गंदा पानी को गंदा करना चाहिए, डर्टी करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए। नदी हो, तालाब हो, कुआं कहीं भी हो, उसमें हम लोग को कूड़ा कचरा नहीं डालना है। अपन मवेशी को, माल जाल जो होता है मवेशी, उसको नहीं हिलाना है, उस पानी में नहीं होना है। उससे क्या होता है, कई जगह देखा जाता है कि आदमी का लाश जाते रहता है, लाश को फेंक दिया जाता है, कुत्ता भी जो भी मरता है उसको पानी में बहा दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, पानी जो पोल्यूटेड हो जाता है, उसी पानी को कई जगह लोग अब पीते हैं, जहाँ पानी का अभाव होता है उसका उपयोग हम लोग खेती के रूप में करते हैं, या कहीं मवेशी लोग से जंगली जानवर लोग पानी का पीते हैं, समझे? पानी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, इसे कभी भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। प्रदूषित पानी पीने से आदमी हो या जानवर हो बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें कई तरह का बीमारी हो जाता है, समझे? इसलिए हम लोग को पानी को प्रदूषित पोल्यूटेड नहीं करना चाहिए। आप लोग आज आप लोगों को ये रागिनी कुमारी जो कक्षा 3 की छात्र है, वो एक एक्टिविटी के माध्यम से दिखलाएगी, वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दिखलाएगी कैसे हम लोग एक स्वच्छ पानी को हम लोग गंदा करते हैं। रागिनी, to an experiment prove that when water gets polluted if things are thrown in it. Take a small beaker, fill it with water. Then throw some paper bits, use carrots, kitchen waste in it and there and leaves. We can see that water become polluted and total unit in form. Is water safe for drinking? Is